सैंडविच कलर चेंज, ठीक है? तो पहले कलर चेंज सिखा दूंगा, उसके बाद वैनिश भी सीखेंगे, पहले कलर चेंज सीख लेते हैं। तो चार कार्ड चाहिए, ऑब्वियस सब आते हैं, रियल कलर चेंज तो होता नहीं है मैजिक में, हमेशा डबल का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें भी हाँ डबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो चार कार्ड चाहिए आपको, पहले जोकर है, फिर बीच में जो है दो कार्ड है जिसमें से 10 ऑफ डायमंड मैं पहले दिखाऊंगा तो इसीलिए ऊपर है, और उसके नीचे किंग ऑफ स्पेड जो है वो है, जो कि चेंज जो के बाद में आएगा। तो 10 ऑफ डायमंड चेंज होगा, किंग ऑफ स्पेड बनेगा, ठीक है? तो ऊपर वाला जो कार्ड रहेगा वो पहले दिखाने वाला कार्ड रहेगा, और नीचे का कार्ड चेंज होके आएगा, तो ये याद रखना। और एकदम ऊपर जो हमारा जोकर है, अब इन चारों को इस तरीके से एक साथ होल्ड करना है आपको। करने के बाद क्या करना है, देखो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। ऊपर का जो जोकर है उसको आपको स्लाइड करके कुछ इस तरीके से बाहर निकालना है, और उसको इस तरीके से अलाइन करके रखना है, ठीक है? और फिर ये करने के बाद आपका जो नीचे का कार्ड है, नीचे का जोकर, उसको धीरे से स्लाइड करना है। मेक श्योर जो डबल है वो फ्लैश ना हो जाए, तो इस तरीके से ध्यान से उसको स्लाइड करके बाहर निकालना है। तो अभी हमारे पास एक जोकर यहाँ पे है, बीच में डबल है और नीचे एक जोकर है, ठीक है? तो वन मोर टाइम जोकर को निकालना है, अलाइन करना है कुछ इस तरीके से, और नीचे का कार्ड को स्लाइड करके कुछ इस तरीके से निकालना है ध्यान से। इसके बाद ये तीनों कार्ड्स को कुछ इस तरीके से फ्लिप करना है, और अपना जो मिडल फिंगर और थंब है उससे होल्ड करना है टाइटली, ठीक है? ज़्यादा हल्के से मत करना, इससे कार्ड जो है बिखर सकता है, मिडल का जो दो कार्ड है वो फ्लैश हो सकता है। अब इस तरीके से होल्ड करने के बाद आप क्या करना होगा, आपका जो मिडल फिंगर है उसको आपको स्लाइड करना होगा यहाँ पे इस कार्ड के जो डबल है, डबल के ठीक नीचे, और जो इंडेक्स फिंगर है वो ये नीचे का जोकर को कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा, ठीक है? तो अभी आप पोजिशन में आ चुके हो, क्या करने का, एक स्नैप चेंज करने का। तो अभी आप चाहो तो आप अपना जो मिडल फिंगर है उससे आप आसानी से, ठीक है? तो वन सेकेंड मैं फिंगर पोजीशन समझा देता हूँ, ये थोड़ा क्रिटिकल है। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर जो है ये नीचे का जो जोकर है उसके ऊपर इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, मिडल फिंगर डबल के अंदर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल है हमारा, और थंब इन दोनों कार्ड को पकड़ा हुआ है, ठीक है? ये ऊपर का जोकर, ये वाला जोकर, और डबल को पकड़ा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, अपना जो मिडल फिंगर है उससे आप एक स्नैप चेंज परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरीके से। स्नैप चेंज नहीं आता है, पिछला वीडियो स्नैप चेंज के ऊपर है, उसमें 1 मिनट में मैंने सिखाया स्नैप चेंज कैसे करते हैं। ऑल दो स्नैप चेंज सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में तो नहीं सीख पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, पर अगर आपको स्नैप चेंज आते हो तो आप आसानी से कर सकोगे। वन मोर टाइम मैं इसको ऐसे स्प्रेड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अगेन जो फिंगर पोजिशन है, मिडल फिंगर यहाँ पे इन दोनों कार्ड के नीचे, इंडेक्स फिंगर ये वाला कार्ड को कुछ इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, और थंब इन दोनों कार्ड को। अब इस तरीके ये करने के बाद आप क्या करना है, आपको मिडिल फिंगर से एक स्नैप चेंज परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से। तो सामने से लगेगा कि जो मिडिल का कार्ड है वो चेंज हो रहा है, बट रियल में आपको पता है आप उसको स्लिप करके एक स्नैप चेंज परफॉर्म कर रहे हो। ऑल दो जैसा कि नॉर्मल स्नैप चेंज होता है उसमें क्या होता है, बहुत एंगल सेंसिटिव होता है, रिवील हो सकता है, फ्लैश हो सकता है, बट इसमें तीन कार्ड है इसीलिए थोड़ा एंगल सेंसिटिव कम है, तो आप इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अब ये चेंज परफॉर्म करने के बाद ये वाला जो पीछे का कार्ड है इसको, जैसा कि मैंने स्नैप चेंज वाले वीडियो में कहा था, आप जो दूसरा डेक है उसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख सकते हो, और फिर कार्ड को तीनों दिखा सकते हो कि देखो भाई चेंज हो गया। बात करते हैं वैनिश का, तो वैनिश भी काफ़ी सिंपल है, आपको ऐसे तीन कार्ड लेना है, ठीक है? और फिर उसको एग्जैक्ट जैसे आपने होल्ड किया था वैसे ही होल्ड करना है, बस इस टाइम डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो है डबल नहीं है, सिंगल कार्ड है। तो इस तरीके से आपको होल्ड करना है, मिडिल फिंगर इन दोनों कार्ड के नीचे जाएगा, इंडेक्स फिंगर इसको पकड़ेगा नीचे का जोकर को, और फिर आपको एक स्नैप चेंज परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या लगेगा, सामने से जो मिडिल का कार्ड है वो वैनिश हो जा रहा है, बट आप जो है एक स्नैप चेंज परफॉर्म कर रहे हो जिससे जो मिडिल का कार्ड है वो फ्लिक होकर पीछे आ जा रहा है, और लग रहा है कि सामने से वो कार्ड गायब हो चुका है। अगेन इसका भी जो पीछे का कार्ड है इसको आप डिच कर सकते हो यूजिंग द लेफ्ट हैंड पैकेट, उसको आप इस तरीके से रख सकते हो, दिखा सकते हो कार्ड जो है गायब हो गया। तो डेक को होल्ड करते हुए कैसे करना है वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। तो चार कार्ड है यहाँ पे मेरे पास ऊपर एकदम सेटअप में, दोनों जोकर और बीच में दो रैंडम कार्ड। इसमें आपको क्या करना है, आपको इन चार कार्ड्स के नीचे एक ब्रेक लेना है कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो स्प्रेड करके ब्रेक ले सकते हो, पिंकी ब्रेक, या रिफिल करके भी ले सकते हो। उसके बाद चारों कार्ड को पलटना कुछ इस तरीके से, और जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर का कार्ड को ऐसे स्लाइड करके रखना है, और नीचे का जोकर को इस तरीके से स्लाइड करना है। डिफरेंस ये कि अभी हाथ में आपका डेक है वो याद रखना, और फिर अपना मिडिल फिंगर और थंब से इस तरीके से होल्ड करना, और फिर ध्यान से पोजिशन में आना, और फिर आपको स्नैप चेंज परफॉर्म करना है, और डेक में इस तरीके से डिच करके दिखा देना, ठीक है? तो यही था सैंडविच कलर चेंज, और वैनिश भी आप सेम प्रोसीड्यूर से कर सकते हो।
वैनिश ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि वैनिश में क्या होता है, डबल नहीं रहता है तो फ्लैश होने का चांसेस कम रहता है। तो यही था वीडियो, अभी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।